खबर पिपरिया से, नवरात्रों में नगर में निकाली गई कलश यात्रा, शतचंडी यज्ञ हुआ प्रारंभ, किए जा रहे विशेष आयोजन। चैत्र नवरात्र पर्व पर मां भवानी की आराधना को लेकर विभिन्न आयोजन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। इस कड़ी में ग्राम बंकाज में शतचंडी यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा बंकाज मंदिर से शुरू हुई, जिसका समापन सिद्ध धाम दादा दरबार में हुआ। आयोजक शिवशंकर महाराज ने बताया कि शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा एवं मंडप प्रवेश से हो गया है। रविवार से शाजापुर के ब्रजकिशोर नागर द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ से ही मंदिरों में घट स्थापना के साथ नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू नववर्ष प्रारंभ की खुशी है। नगर के खेड़ापति मठ मंगलवारा चौक पर स्थित दुर्गा मंदिर धार्मिक न्यास में घट स्थापना की गई, जिसमें महाराज पप्पू साहू, अरविंद राय, गन्नू संतोष साहू, देव बाबू शंकर आशीर्वाल, गोपाल गुप्ता ने पूजन कर मंदिर में घट स्थापना की। गुड़ी पड़वा पर्व पर विहिप ने किया धर्म ध्वजारोहण। विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस वर्ष गुड़ी पड़वा पर्व धूमधाम से मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा पचमढ़ी रोड नाका स्थित श्री दुर्गा मंदिर में धर्म ध्वज यात्रा निकाली गई, जो कि नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई मंगलवारा चौक पहुंची। धर्म ध्वज यात्रा में ढोलू की थाप के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी के पदाधिकारी व सदस्य जय जय श्री राम भारत माता का जयघोष किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संतोष सराठे ने सभी को संबोधित किया। इस दौरान विहिप, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति पदाधिकारी व सदस्य सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उपस्थित थे। मंदिरों में भजनों का आयोजन हो रहा है। अष्टमी और नवमी पर विशेष कन्या भोजन का आयोजन किया जाएगा, साथ ही हवन, पूजन, भंडारे के साथ विसर्जन किया जाएगा। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।